नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल स्ट्रगल टीवी में। मेरा नाम है सुजय, आप लोग सब मुझे जानते होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल में जो नया थर्ड एम्पियर या फिर आपका जो वीडियो रेफरल सिस्टम लगा हुआ है इसके बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत कोई इसके बारे में जानता होगा और मैं इसमें भी श्योर हूँ कि आप में से बहुत कोई इसके बारे में नहीं जानता होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मतलब ये वीडियो रेफरल सिस्टम क्या है। एक्चुअली जैसे हमारे क्रिकेट में होता है ना कि मतलब एक थर्ड अम्पेयर बैठा हुआ रहता है, जब कोई डिसीजन को लेके पंगा होता है या फिर अम्पेयर को समझ में नहीं आता है तो थर्ड अम्पेयर को रेफर करता है फॉर द इन्फॉर्म मतलब क्या हुआ है डिसीजन वो ओरिजिनली जानने के लिए। वैसा ही है वीडियो रेफरल सिस्टम। तो वीडियो रेफरल सिस्टम में क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक जैसे कि यहाँ पे एक थर्ड अम्पेयर रहता है क्रिकेट में, ऐसा नहीं है। यहाँ फुटबॉल में एक पूरा टीम बैठेगा जो कई सारे कैमरे एंगल को लाइव मैच के दरमियान देखता रहेगा। जब भी कुछ लगेगा इन लोगों को कि कोई डिसीजन गलत हो रहा है तो ईयरफोन के साथ मतलब एक मतलब टेलीकम्युनिकेशन रहेगा रेफरी के साथ। रेफरी का कान में एक लगा हुआ रहेगा एक सिस्टम जिसके माध्यम से ये लोग रेफरी को कॉन्टैक्ट करके बोलेगा कि ये चीज़ गलत हो रहा है, तब रेफरी मैच रोक के जो मतलब रिव्यू है या तो उनका रिव्यू के ऊपर भरोसा करके अपना डिसीजन दे सकता है या फिर अगर रेफरी चाहे तो जहाँ पे प्लेयर्स बैठता है वहाँ पे एक वीडियो रेफरल मतलब रेफरी रेफरम सिस्टम होगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो फीड को देख सकता है रेफरी, फिर अपना डिसीजन जो है निर्णय जो है वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है कि रेफरी के ऊपर पूरा मतलब रेफरी का पूरा पावर रहेगा कि कोई भी वीडियो रेफरल सिस्टम से जो भी मतलब उभर के आए उसको ओवरकम करके अपना एक डिसीजन खुद देने का। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो रेफरल सिस्टम क्या है, इस बार वर्ल्ड कप में क्यों इसको नया तरीके से लाया गया है और इसमें क्या होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल रहता है आपको प्लीज़ हम लोगों को हमको कमेंट सेक्शन में बताइए और जो भी आपका मतलब राय हो इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या फिर कोई भी फीडबैक या फिर कुछ भी आप नया जो वर्ल्ड कप फुटबॉल के विषय में जानना चाहते हो तो उसके बारे में आप मतलब अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और आप सबको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप वीडियो के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो द वर्ल्ड कप फुटबॉल के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज बनाने वाला हूँ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसको मतलब आपका जो वीडियो मतलब वर्ल्ड कप का जो भी अपडेट्स है वो आपको एकदम मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही।